हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 6 मार्च 2024 को, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए चित्रकला विषय का मॉडल पेपर कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो जिन बच्चों के पास चित्रकला विषय है और जिनका पेपर 6 मार्च को है 2024 में, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। पेपर कैसा आएगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा देने वाला हूँ। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटा आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। तो जो भी पहले आप अच्छे से जानते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक विषय में, सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, और यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी मैंने आपको बताया ना कि 3 घंटे का पेपर होगा और 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा, किस लिए, पढ़ने के लिए। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, पहला है अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। जो आपका रोल नंबर होगा उसे आप ड्राइंग शीट के कवर पृष्ठ यानी पेज पर स्पष्ट अंकों में लिखोगे और शब्दों में भी लिखना है, तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। पेपर जो मिलेगा आपको चित्रकला विषय का 3 खंडों में विभक्त रहेगा, का खा और गा में तीनों खंडों को करना भी अनिवार्य है। अब खंड का के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आलेखन कला के और प्रावैधिक कला दोनों के 20-20 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक के, या तो आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का उत्तर दें या फिर आप प्रावैधिक कला किसी एक के 20 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप लोग जो है आलेखन कला का ही जो 20 प्रश्न आएंगे आलेखन कला से संबंधित, उनको ही सॉल्व करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। यहाँ पर आप देख भी पाओगे, मैं आपको बताने वाला हूँ इसी मॉडल पेपर में और इसी वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्या है निर्देश, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी यदि आपने आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है तो इसका अंकन आपको करना होगा, यदि आपने प्रावैधिक कला वाले 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है यानी OMR शीट में आपको आंसर फिल करना होगा, तो आपको उसमें ये चीज दर्शाना होगा, यानी आपको बताना होगा कि आपने किस भाग के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आलेखन कला से संबंधित यहां पर जो प्रश्न हैं इन्हें आप जरूर तैयार कर लो, 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
वर्ण का अर्थ क्या है, वर्ण क्या क्या अर्थ होता है। विकल्प इस प्रकार से हैं, यहां पर मैंने आ बा सा और दा लिखा है, ओ एम आर सीट में ए बी सी और डी लिखा रहेगा। तो ए का अर्थ है आ, बा का अर्थ है बी, और सी यानी सा और दा यानी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ण का अर्थ क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का तात्पर्य होता है रंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो, ओस्टवाल्ड संबंधित है किससे। पहला विकल्प है संयोजन से, दूसरा है तुलिका से, तीसरा विकल्प है रंगों से, चौथा है तैल माध्यम से। तो ओस्टवाल्ड संबंधित है किससे, रंगों से संबंधित है। एक प्रश्न आता है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या तीन है मेरे प्यारे बच्चों, लाल और हरा रंग है, लाल और हरा रंग कैसा रंग है। पहला विकल्प है क्या विरोधी रंग है, या तटस्थ रंग है, या द्वितीयक रंग है, या फिर उष्ण रंग है। तो लाल और हरा एक दूसरे के क्या है, विरोधी रंग है। प्रश्न यदि आता है लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो उत्तर होगा हरा। हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो उत्तर होगा लाल। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या है यहाँ पर चार, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। अब आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, और दूसरा है वर्णहीन, तीसरा है बहुवर्णीय, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। वर्ण का अर्थ मैंने आपको अभी बताया पहले प्रश्न में ही कि वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग। अब आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसे हम तिरंगा कहते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है, यानी एक वर्णी यानी एक रंग का है, यानी सिर्फ एक रंग का है, वर्णहीन यानी कोई भी रंग नहीं है, या बहुवर्णी। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बहुवर्णी है, क्योंकि इनमें एक से अधिक रंग हैं, यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में एक से अधिक रंग हैं। प्रश्न संख्या पांच है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। विकल्प है पहला चार, दूसरा विकल्प है दो, तीसरा विकल्प है छह, और चौथा विकल्प है सात। तो आप सभी जानते हैं कि प्रिज्म में कितने रंग होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा सात। यहाँ पर राइट आंसर होगा सात। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि जितने भी मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से 100% प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसलिए आप प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर को जरूर देखें, क्योंकि मैं प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर चित्रकला विषय सामाजिक विज्ञान मैं आपको कंफर्म कर दूं, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय और मेरे प्यारे बच्चों ग्रह विज्ञान, यदि आप क्लास टेंथ में हैं तो आप इन विषयों की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा। मैंने आपको बताया चित्रकला विषय, सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय और ग्रह विज्ञान, इन चार विषयों की आप धुआंधार तैयारी कर सकते हो। और जो भी मॉडल पेपर मैं आपको बताऊंगा 100% की गारंटी है यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है यहां पर, इनमें से कौन सा शीत रंग है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो कि शीत रंग होता है। विकल्प पहला है नीला, दूसरा है काला, तीसरा विकल्प है लाल, चौथा है पीला। तो इनमें से नीला रंग एक ऐसा रंग है जो कि शीत रंग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य रंग कितने होते हैं। विकल्प इस प्रकार से, क्या 2 होते हैं, 3, 7 या 8। तो मुख्य रंग होते हैं 3। अब कौन कौन से मुख्य रंग हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 8 है, तटस्थ रंग कौन से हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से रंग हैं जो कि तटस्थ रंग कहे जाते हैं। पहला विकल्प है सफेद और काला, दूसरा विकल्प है नारंगी और पीला, तीसरा विकल्प है लाल नीला, चौथा है हरा पीला। तो तटस्थ रंग कहे जाते हैं सफेद और काला रंग। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9,
निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखा लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प है पहला सरल रेखा, दूसरा क्षैतिज, तीसरा ऊर्ध्व रेखा, चौथा वक्र रेखा। तो दिए गए विकल्पों में से लयात्मक रेखा कौन सी है? उत्तर होगा सरल रेखा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जो पेस्टल रंग होते हैं इन रंगों का माध्यम कैसा होता है? पारदर्शी होता है। प्रश्न संख्या 11 है, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सफेद रंग का विरोधी रंग है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर है काला। और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद। प्रश्न कैसे भी आए आपसे उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यदि हम पीले रंग में लाल रंग मिला देते हैं तो इससे हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नारंगी रंग। पीले रंग को लाल रंग में मिलाने से या लाल और पीले रंग को आपस में मिलाने से हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या, 5, 3, 4 या 6। तो रंगों की संगत होती है 6 प्रकार की। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या HB पेंसिल, 4H या 2H या 2B। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि किस पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प पहला है 4 प्रकार के, दूसरा 6 प्रकार के, तीसरा 3 प्रकार के, चौथा 2 प्रकार के। तो मेरे प्यारे बच्चों, बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तकिए के केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए, फर्श के केंद्र के लिए या साड़ी की किनारी के लिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? साड़ी की किनारी के लिए। प्रश्न संख्या 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, आदर्श रंग कितने हैं? तो यहाँ पर विकल्प है पहला 3, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा है 4 और चौथा है 8। तो आदर्श रंग माने गए हैं कितने? 6। प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न का पहला विकल्प गर्म, दूसरा है विकल्प ठंडा, तीसरा है सामान्य, चौथा है कुछ नहीं। तो हरा रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो चित्र में गहरे रंग का प्रयोग किस लिए होता है? काली घटा को या अंधेरा दर्शाने के लिए या घनत्व को दर्शाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? घनत्व दर्शाने के लिए। और प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1, एकाकी रंग 1 होता है। यहां पर आप देखोगे अथवा में प्रावैधिक कला के भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि आप आलेखन कला वाले 20 प्रश्नों को ही सॉल्व करिएगा, प्रावैधिक कला वाले प्रश्न थोड़ा सा टफ पूछे जाते हैं यानी कठिन आते हैं। तो यहां पर आप देख भी सकते हो किस तरह के प्रश्न हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। खंड खा में प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20×15 सेंटीमीटर के आयत में एक दृश्य चित्र तैयार कीजिए, एक प्रातःकालीन गांव का दृश्य चित्र का चित्रण कीजिए, एक बड़ा पेड़ झोपड़ी के पीछे हो, सूर्य उदय हो रहा हो, नदी के निकट एक मंदिर हो,
नाव हो, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। दृश्य चित्र जल अथवा पिस्टल रंगों से तैयार कीजिए और चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान देना है। पहला, सही संरचना एवं परिपेक्ष का। दूसरा, संयोजन का। तीसरा, सुसंगत रंगों का चयन, यानी जो रंगों का प्रयोग करना है, जो अनिवार्य है उन्हीं का ही प्रयोग करना है। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहो तो आप प्राकृतिक दृश्य वाले चित्रण से संबंधित जो प्रश्न आएगा इसको सॉल्व कर सकते हो, या आप अथवा में आलेखन कला, तो चाहे आप प्राकृतिक दृश्य वाले प्रश्न को सॉल्व करें या आलेखन कला वाले करें, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आसान है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला बिंदु क्या है? इकाई की मौलिकता। दूसरा, लयात्मक रेखांकन। और तीसरा, उत्तम रंग संगति। चौथा, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। तो आप चाहे तो प्राकृतिक दृश्य वाले चित्र से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करें या आप आलेखन कला वाले प्रश्न को सॉल्व करें। प्रावैधिक कला वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि काफी ज्यादा कठिन होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनको ना सॉल्व करें। प्रश्न संख्या यहां पर अगला देखेंगे, खंड गा के अंतर्गत स्मृति चित्रण से संबंधित। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। का के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेल्सन के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी, किसी एक का ही आपको चित्र बनाना है। और मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है। कौन कौन से बिंदु? पहला, रेखा सैष्ठव पर। दूसरा, आकृति की अनुरूपता पर। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप इन चित्रों को 15 सेंटीमीटर से कम नहीं बनाएंगे, यानी इनकी जो लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खा के अंतर्गत प्रश्न है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पत्तियों सहित आम, अनार, मूली, लौकी आदि बनाने का अभी से अभ्यास कर लो, क्योंकि वहां पर आपको किए गए अभ्यास का ही फल मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर खा के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेल्सन के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पहला है यहाँ पर सुराही, दूसरा है खुला छाता, तीसरा है कप और प्लेट, और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे जग, यहाँ पर जग होगा। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, रेखा सैष्ठव पर, आकृति की अनुरूपता पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया है कि चित्रकला विषय का पेपर कैसा आएगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। आप इस मॉडल पेपर को यदि तैयार कर लेते हैं तो 100% यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।